अरे यार पापा, मेरी पेंट कहाँ है? मिल नहीं रही। अरे मुझे नहीं पता, जहां तूने रखी होगी वहीं पड़ी होगी। राजवीर? ओ राजवीर, अरे बैरे कहाँ रह गया? अरे क्या हो गया डिसिप्लिन के देवता, तो तुम्हारी भी चीजें खोने लगी? कहां है सुबह सुबह परेड ले रहे हो? अरे यार वो मेरी पेंट। भैया हॉल में रखी हुई थी, हमको लगा पापा हमारे लिए लेके आए। भैया भैया चप्पल कहां निकाल रहे हो? एक गलती तो भगवान भी माफ करता है। भैया 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 नहीं नहीं भैया। भैया वो कुछ पैसे मिल जाए तो हमारे किसी दोस्त का ना बर्थडे है, उसके लिए तोहफा लेना इतना सज के कहाँ जा रहा है? इससे पहले तू इतना तैयार कभी नहीं हुआ। है ना भैया, हमारे एक करीबी दोस्त का जन्मदिन। करीबी? क्या बहुत करीबी? बेटा फौज में है हम, चेहरा देखे इंसान की नीयत तो बता देते हैं। और तुम्हारी ये मुस्कान बता रही है कि किसी लड़की की एंट्री होगी तेरी जिंदगी में। बताओ कौन है वो अरे मतलब है ना हमारी एक दोस्त भैया। दोस्त है या गर्लफ्रेंड? अरे तो गर्लफ्रेंड ही है ना, किसी का मर्डर करके थोड़ी ना आया तू, बता नहीं सकते हमको। चलो ऐसा करते हैं, हम भी साथ ही चलते हैं, अपने भाई की पसंद भी देख लेंगे। भैया भैया आप क्या करोगे? हम लोग मिल लेंगे ना? सवाल जवाब मत करो, चलो चुपचाप। अरे भैया, हेलो नेहा, हेलो, ये मेरे बड़े भैया हैं इंडियन आर्मी से। हेलो, जय हिंद। बैठते हैं बैठते हैं। नेहा तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया था, पूमा का बैग, पूरे 2000 का लेके आया हूँ, 2000 का। वैसे बैग तो अच्छा है, लेकिन तुम्हें पता है पिछले हफ्ते राहुल ने मुझे गोल्ड की चेन गिफ्ट करी थी। बैग भी अच्छा है। वैसे बातें तो चलती रहेंगी यार, भूख सी लग रही है, क्यों तुम्हें नहीं लग रही? हाँ जी, जा लेके आ खाने को कुछ। वेटर तो है नहीं। चलो तुम लोग बैठो, मैं आता हूँ कुछ ऑर्डर करके। वैसे क्या नाम बताया आपने अपना? भैया नेहा। और वो राहुल तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है? हाँ जी भैया। एक छोटा सा काम करोगी मेरा, हाँ जी बोलो। राहुल को कॉल करना जरा, लेकिन कॉल क्यों? से बोलो मुझे ब्रेकअप करना है। लेकिन वो तो मेरा दोस्त है। अबे सुन, राजमीत ना छोटा भाई है मेरा, तेरी कोई एटीएम मशीन नहीं। जान से बढ़कर प्यार करता हूँ उसे, और जैसे देश से दुश्मनों को निकालता हूँ ना, तुम्हें भी उसकी जिंदगी से निकाल के फेंक दूंगा, समझी? इसके आने से पहले उठ के निकल यहाँ से। और सुन बैग नीचे रख, जो गिफ्ट की अहमियत नहीं समझते गिफ्ट उनके लिए नहीं होते। रख इसको और चल भगले। ऑर्डर कर दिया भैया। नेहा नहीं दिख रही भैया। हाँ अब दिखेगी भी नहीं। हो क्या मतलब? अरे वो किसी राहुल का फोन आया था, पैचअप पैचअप प्रति निकल गई यहाँ से, राहुल? तो मैं भी निकलता हूँ, कुछ काम याद आ गया। राहुल पैचअप, 2000 का बैग। भैया पर बात क्या की थी उससे? अरे सर देखो, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, चालान बना के कुछ होने नहीं वाला। आपको पता नहीं है मेरा भाई आर्मी में किस लेवल पे है। अगर मेरा भाई यहाँ आ गया ना, फिर देख लेना। चलान तो हो गए बेटे। तो ठीक है, आपकी भी कौन सी नौकरी रहेगी मेरा भाई। ओह ये लो, देखो बात करी और मेरा भाई आ गया, अब आप देख लेना। क्या हो गया सर, क्या गलती कर दी इसने? गलती? एक तो बाइक की ओवर स्पीड और ऊपर से आर्मी का रौब दिखाता है। अब आप ही बताओ, आर्मी वालों के लिए ट्रैफिक रूल अलग से होते हैं क्या? अरे भाई साहब शांति से। राजवीर सर बात करें अगर कानून की, भारत का संविधान भारत के हर नागरिक के लिए एक होता है, चाहे वो आम आदमी हो, पुलिस वाला हो या आर्मी वाला। सर गलती तो इसने की है, लेकिन भुगतान मैं करता हूँ। आप चालान काटो, मैं फाइन देता हूँ। भैया पर आप क्यों फाइन? राजवीर और सर मैं माफी मांगता हूँ इसकी बदतमीजी के लिए, मैं शर्मिंदा हूँ। राजवीर मैं आर्मी में इसलिए भर्ती नहीं हुआ कि पुलिस वालों पे रोब जमाता फिरूं। तुझे कितनी बार मैंने मना किया है कि बाइक स्पीड में मत चलाया कर, तेरी प्रॉब्लम क्या है यार? 100 120 की स्पीड में बाइक चलाएगा तो लोग क्या बोलेंगे?
कूल बोलेंगे। नहीं जी भर के गालियां देंगे तुम्हें, किसी और की नहीं, मेरी तो थोड़ी इज्जत कर लिया कर। आज तेरी वजह से उस पुलिस वाले ने मुझे इतना कुछ सुना दिया। अरे बस करो यार भैया, लेक्चर पे लेक्चर, लेक्चर पे लेक्चर, अपनी जवानी तो जी नहीं पाए, अब मेरी क्यों बर्बाद कर रहे हो। कहा था ना मैंने आपसे कि मुझे आर्मी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसके बाद भी आपने मेरा फॉर्म भरवाया ना आर्मी में। क्यों, हमको अपनी जवानी जीनी है, आपने जी पाए तो हमको नहीं करनी देश सेवा, और हम ऐश करना चाहते हैं अपने जीवन में। और सीधे सरल शब्दों में बताएं ना तो हम आपकी तरह आपकी शतरछाया में नहीं जी पाएंगे। पहाड़ में गए आप और आपकी देश सेवा। राजवीर आज तुझे मेरी बातें बुरी लग रही है ना, कल को मैं नहीं रहूंगा ना, तुम यही बातें याद करके रोएगा, समझा। तो हम आपकी तरह आपकी शतरछाया में नहीं जी पाएंगे। पहाड़ में गए आप और आपकी देश सेवा। राजवीर आज तुझे मेरी बातें बुरी लग रही है ना, कल को मैं नहीं रहूंगा ना, तुम यही बातें याद करके रोएगा, समझा। देख क्या रहे हो, पिताजी इतने अच्छे नहीं है कि जो तुम्हारा बैग लगा देंगे, हम लगाए हैं और कल के लिए हम माफी चाहते हैं, हमें तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आर्मी कैंप जा रहे हो, अपना ख्याल रखना, टाइम पे सोना। हमारे पैसे उड़ाने वाले को तो उड़ा दिए तुम, उसी पैसे से तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाए हैं, तुम्हारे बैग में रखा है, देख लेना। चल चलता हूँ मैं भी, ध्यान रखना अपना। सच कहा था आपने भैया, कुछ चीजें देर से ही समझ आती हैं। आज आप भले ही हमारे बीच मौजूद नहीं हो, मगर मैं इस वर्दी को पहनकर आपको खुद में महसूस कर सकता हूँ। मेरा वादा है आपसे भैया, इन आंसुओं को जोश में बदलकर अपने शरीर का कतरा कतरा देश की सेवा में लगा दूंगा। यहाँ तो तिरंगा लहरा कर आऊंगा, यहाँ फिर तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, मगर मैं लौटूंगा जरूर।